जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से चिल्लाते थे जय श्री राम, सब भागते थे उधर। सही बताया विनय भाई, मैं वाकई में बहुत डर गया था। क्या क्या बदलाव रहा, क्या कहानियां रही, क्या क्या महसूस किया? गुलाबी रंग का एक टेंट बना हुआ था, उसके अंदर राम लल्ला को मैंने देखा था। जगह जगह कर्फ्यू था, सन्नाटा था बिल्कुल, हर तरफ टायर जल रहे थे और जय श्री राम यही सब चल रहा था। नमस्कार, मैं विनय और हमारी बातें यूपी की टीम आ चुकी है अयोध्या में। प्रोग्राम का नाम है राम मंदिर एक अमित कथा। यहाँ आने का मकसद है कि हमारे साथ दो वरिष्ठ छायाकार साथी हैं लखनऊ से, मनोज छाबड़ा जी, अरबी थापा जी, हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। 1990 में जब कार सेवकों पे गोली चली थी तब उसके साक्षी थापा जी थे। 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया था उस वक्त भी ये दोनों साथी छायाकार साथी हर एक समय के गवाह रहे हैं, अपने कैमरे से हर एक तस्वीर को उस टाइम कैद करते रहे। तो हम बात करेंगे पहले थापा जी से। सर स्वागत है आपका प्रोग्राम में भाई। थापा जी, 90 की बात करें अगर हम, यही जगह है सरयुवा किनारा और कार सेवकों पर भयंकर जुल्म हुआ था, गोलियां चलाई गई थी, लाठीचार्ज हुआ था, क्या था वो दिन था क्या? सच बताया विनय जी कि आज ये देख रहा हूँ यहाँ का नज़ारा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब कि जैसे हृदय से कहा जाता है कि संपूर्ण हो गए सारे काम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। 90 के दौर में एक टाइम ऐसा था कि मतलब हम लोग गली गलियारे में पतली पतली गलियों से होकर के सारा आंदोलन हम लोग देखते थे। तो मतलब पतली गलियां, तो हम लोग हर मतलब स्टेप स्टेप सीढ़ियां, जैसे कहते नहीं कि चढ़ता जा पौड़ी पौड़ी, और आज देख रहे हैं हम लोग हर की पौड़ी, क्या नजारा है यहाँ का, है ना। कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा भाई। 500 साल से चल रहा है आंदोलन, तो हमने सोचा ये भी खिंचता रहेगा, चलता रहेगा, हमारी पीढ़ी भी बीत जाएगी। हाँ, लेकिन हमने कहा, सोचा था कि अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि बेटा इसमें हम लोग भी गए थे और ये है। लेकिन आज वाकई में ही जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो सन 90 में तो जब हम लोग वहाँ विवादी ढांचे पे थे, तो वहाँ पर ये था कि विवादी ढांचे के पास नहीं थे, हम लोग अप डाउन करते थे डेली लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से रोज जाते थे? रोज जाते थे, रोज जाते थे। अच्छा। बाई टैक्सी। अच्छा। क्योंकि पहले ये सब सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था और ये ट्विटर नहीं था, तो कि हम लोग फोटो भेज दे, तो कोई भी उस सिस्टम नहीं था। तो हम लोग को, हम और हमारे मित्र ये मनोज छाबड़ा जी, तो हम दोनों में पैक्ट था, ये यहाँ अयोध्या से जब चलते थे तो मैं लखनऊ से चलता था। अरे क्या, दोनों लोग एक ही संस्थान में थे आप? एक ही संस्थान में थे, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम लोगों का दोनों का पैक था कि मैं लखनऊ से चलता था तो ये यहाँ अयोध्या से चलते थे, और जब मैं अयोध्या से चलता था तो ये लखनऊ से चलते थे। ये कब तक चलता था सिलसिला? ये महीनों चला हम लोगों का। अच्छा। हाँ, ये आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये होता था कि हम लोगों को जा करके कार्यालय में फोटो बनाना, फिल्म डेवलप करना, तभी सब फैसिलिटियां नहीं थी। तो हम लोग अपना फोटो वोटो बनाए, और फोटो बनाने के बाद फिर रुकते नहीं थे, फोटो बनाया, फोटो बना के दिया, उसके फोटो के पीछे कैप्शन किया, उसका विवरण लिखा कि किस चीज की फोटो है, वो फोटो खींच के हम लोग तुरंत दे के तत्काल उसका पूछ लेते थे, इजाजत ले लेते थे, और लैंडलाइन फोन से हम लोग होटल में एक दूसरे को इतला कर देते कि मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, अब आप। उस टाइम का सोना खाना पीना वो सब गाड़ियों में, टैक्सी में होता था। अच्छा। कपड़े बदलना, खाना खाना, जो भी है वो अपने टैक्सी में ही हम लोग चलते चलते तो वही करते थे हम लोग। तो मनोज जी थे, हम थे, तो हम लोग का ये टाई अप चल रहा था। तो उस दिन ये 30 अक्टूबर को कार सेवकों का एक आह्वान था कि हम विवादित ढांचे को गिरा। 1990 शासन था मुलायम सिंह का, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है। तो हमारे को दिल्ली के दोस्त भी थे, तो उन्होंने, हम लोगों ने रात में ही प्लानिंग बना लिया कि सुबह हम लोग को सरजू घाट पुल पे जाना है। तो हम लोग सरजू घाट पुल के लिए हम लोग सवेरे होटल से 9:30-10 हम लोग निकले। तो मैं था, मेरे साथ दो फोटोग्राफर महाराष्ट्र के थे और एक
प्रमोद पुष्करणा जी थे इंडिया टुडे से, और एक नीरज पाल थे हमारे दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया के जी जी सीनियर फोटोग्राफर जी। तो हम पांचों टैक्सी आ रहे थे, जगह जगह कर्फ्यू था, सन्नाटा था बिल्कुल, हर तरफ टायर जल रहे थे, फोर्स जय श्री राम यही सब चल रहा था। तो हम लोग जाम वाम में ना फंसे इसलिए हम लोग विवादित ढांचे के पीछे वाली रोड से आ रहे थे। तो जब आए हम लोग वहाँ से, तो हमारे जो पीछे जो फोटोग्राफर बैठे थे जो महाराष्ट्र से आए थे, उन्होंने उनकी नज़र विवादित ढांचे पर पड़ी तो उसमें देखा दो कार सेवक ऊपर चढ़ के भगवा फहरा रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि रोको 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 रोको, कह लगे देखो दैट इज अ पिक्चर, ये फोटो है, ये फोटो करो। तो हमने कहा साहब, मैंने कहा अब चूंकि मैं लोकल का था तो मैं अपने आप को ज्यादा शो करता था कि मुझे बहुत जानकारी है यहाँ के बारे में, मैं बहुत जानता हूँ। तो मैंने कहा अरे भाई साहब कहाँ आप इनके चक्कर में पड़े, हमने कहा ये फोटो खिंचवाने के चक्कर में ये लोग चढ़ गए। अच्छा, देखते देखते दो से चार हुए, चार से छः हुए, फिर आठ हो गए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा ना ना मिस्टर थापा, दैट इज अ पिक्चर, फोटो यही है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुलायम सिंह जी का शासन था, मुलायम सिंह जी बोल चुके हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता, इसका अंदाजा ही नहीं था, ना सोशल मीडिया और कुछ टेक्नोलॉजी थी नहीं। हाँ, अच्छा, हम लोग को अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं, समाचार सुनने का फुर्सत नहीं, हम लोग टैक्सी में ही हम लोग का जीवन बीतता था, उसी से आना जाना। तो खैर, हमने बड़े बेमज़े से हम भी उतरे, इन लोगों ने पिक्चर करी, फिर फायरिंग की कुछ आवाजें आ रही थी। फोटो आपने नहीं की? नहीं नहीं, वो हमको दिख ही नहीं रहा था, आवाजें आ रही थी फायरिंग की। तो हमने कहा ये फायरिंग कहाँ से हो रही है? तो हमने कहा भाई साहब फोटो यहाँ नहीं बनेगी, फोटो बनेगी सरयू पुल पे, वहाँ चले, यहाँ हम लोग खड़े हैं इस वक्त बगल में सरयू पुल। हाँ, बगल। तो हमने कहा कि फोटो वहाँ बनेगी, वो कह लेंगे रुको। अच्छा, फायरिंग की आवाजें सुनाई थी। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द अगल बगल कार सेवकों का हुजूम था, तो वो हुजूम कैसा था कि वो एकदम हुंकारा लगाते थे, जैसे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, फिर जोर से चिल्लाते थे जय श्री राम, सब भागते थे उधर विवादित ढांचे की तरफ, फिर फायरिंग की आवाज आती थी। अच्छा, उस वक्त मैंने किसी गोली वोली लगते इस टाइप से मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ लोग वहीं लेट जाते थे, वहीं दुबक जाते थे। खैर, वो लोग चढ़ गए ऊपर, वो फोटो होगी, और फोटो हमने भी बेमने से अपना कराया, उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे फिर आए सरयू पुल पे। अब जो अब एक फोटोग्राफर की नज़र से देखा जाए तो फोटो हमें यहाँ दिखी, फोर्स पूरी पुलिस फोर्स और आंसू गैस और लाठी चार्ज उस पार उस पट्टी पे, कार सेवकों का हुजूम इधर, फोर्स का हुजूम। अब हम लोग जाएँ तो कैसे जाएँ उस पार, एक ही पुल। अच्छा, उसमें फिर हम लोग वहाँ फोटो करने लगे तो हम लोग को फोटो भीड़ और आंसू गैस लाठी चार्ज यही सब मिला। अच्छा, उसमें भी वो कार सेवक मिले जिनके पैरों पे गोली लगी, किसी के एक पैर पे लगी, किसी के दो पैर पे लगी, उसको पुलिस वाले उठा उठा के ले जाके एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल भेज रहे थे। हम लोगों ने वो फोटो वोटो सब करी। फोटो करने के बाद हम लोग वहाँ पर करीबन नहीं तो दो तीन घंटा रहे, जब सब कुछ सामान्य हो गया, पूरा सरयू आप देखें, देखिएगा मेरी फोटो, उसमें जूते चप्पलों का ढेर लगा है पूरा। अच्छा, पूरा पुल पैक था, मतलब क्या वो लोग उनकी लाशें भगदड़ का। तो उसमें जो था हम लोगों ने फोटो करी। अच्छा, मनोज जी लखनऊ से चल चुके थे और हम इधर से पहुंचे, तो जब हम कार्यालय पहुंचे तो हमारे संपादक थे राम कृपाल जी, तो वो कह लगे तो डिप्टी न्यूज एडिटर थे कमर वहीद नकवी जी, तो नकवी जी कहने गए मेरे कंधे पर हाथ रख के, कह ले बेटा ऐसा है आज हम अयोध्या पे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, आज लिखनी कम होगी देखनी ज़्यादा होगी, फोटो से सारी चीज़ें। कह लगे दो पेज फोटो फीचर तुम्हारा मैं दे रहा हूँ और बढ़िया फोटो लेके आओ। तो मैंने फोटो बनाई, पहले राउंड में 20-22 फोटो बनाई ले जाके, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, ब्लैक एंड व्हाइट बनाते थे, अपने हाथ से बनाना पड़ता था। अच्छा, ले आके मैंने फोटो दे दी, तो उन्होंने पूरे टेबल पे बिछाया, फोटो देखने लगे। तो पान खाया करते थे तो कहने लगे कि यार थापा मजा नहीं आया, और फोटो है? मैंने कहा है सर। तो कहने लगे ले आओ। मैं गया फिर 12-15 फोटो और बनाई, मैंने फिर दिया उनको, उन्होंने फिर फोटो एक एक फोटो देखी, कुछ फोटो सेलेक्ट करके भेज भी दी उन्होंने बनने के लिए। तो देखते देखते उन्होंने कहा, कह लेंगे यार जो फोटो मैं सोच रहा हूँ वो फोटो नहीं दिख रही मुझे,
तो मैंने कहा सर एक फोटो है, मैंने कहा कि एक फोटो है और उसमें भाई साहब वो सब वो फोटो खिंचाऊ लोग नहीं होते हैं, वो है वो गुंबद पे चढ़ गए हैं और भगवा फहरा रहे हैं, वो फोटो खिंचाने चक्कर में चढ़ गए सर, वो फोटो है, उसको छापने का कोई लॉजिक नहीं। तब नकवी जी ने कहा इधर आओ, पास में बुलाया और मेरे एक चपत पीछे मारा। कह लगे उस फोटो को किस लिए रखे हो, पर्स में रखोगे या बटुए में? कह लगे गधे हो, फोटो क्यों नहीं बना के लाए? तो मैंने कहा सर वो बेकार फोटो, मैंने कहा ये देखिए गोली लगी है, ये देखिए हाथ में इसके दोनों पैर में गोली लगी है, हॉस्पिटल ले जा। कह लगे तुम जाके पहले वो फोटो लेके आओ। तो मैंने जाके फोटो बने, मैंने दो तीन फोटो बना के उनको दे दी। तो हमारी तरफ देखे, अच्छा मुझे भी लग रहा था इनके दिमाग को हुआ क्या, इतनी हिंसक फोटो दी है और सेलेक्ट क्या कर रहे हैं ये। तो उन्होंने फोटो पलटी और पलट के उन्होंने स्केच पेन से 8 कॉलम पेज 1 मार किया। तो मुझे लगा कि नकवी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 3 कॉलम लिखना चाह रहे थे, वो गलती से 8 लिख गए। 8 कॉलम मतलब पूरा पेज, पूरा पेज अखबार का पूरा पेज। हाँ, तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा भाई साहब ये आपने 8 कॉलम लिख दिया है। कहले इधर आओ पास में, फिर एक चपत मारी। कहले गधे हो गधे रहोगे, चलो जाओ। तो जब मैं मुड़ा तो मुझसे बोले नकवी जी, कहले थापा तेरा नाम दे दे इस फोटो पे। तो मैंने कहा क्या करेंगे सर नाम देके, अंदर बोल्ड लेटर में तो जा रहा है बड़ा बड़ा नाम फीचर में। कहने का मैं पूछ रहा हूँ इस फोटो पे नाम दूं कि ना दूं। अच्छा फोटोग्राफर के पास भाई एक भूख होती केवल नाम का। तो मैंने कहा दे दीजिए। अच्छा वो फोटो छप गई अखबार। मैं यहाँ रुकूंगा और बताएं कि जिस फोटो को थापा जी ने बहुत बेमन से खींचा, बेमन से फाइल किया, वो फोटो ने इतिहास कायम किया। आज की डेट में जितने भी आप वो फोटो उस विवाद स्थल का देखते हैं कि लोग उस पर भगवा फहराने चढ़े हुए हैं, वो थापा जी की फोटो है। इकलौती फोटो स्टेट भी की है जो यूपी में पब्लिश हुई वो थापा जी की थी, क्योंकि दिल्ली वाले तो 2-3 दिन बाद दिल्ली पहुंचे तब उन्होंने पब्लिश की, लेकिन थापा जी क्योंकि अयोध्या से लखनऊ सीधे पहुंचे, उस फोटो ने इतिहास कायम किया। और आपने जितने भी अभी तक फोटोग्राफ देखते हो उसमें सब वो फोटोग्राफ थापा जी की है, जिसमें गुंबद में चढ़ के कार सेवक नारे लगा रहे हैं। जी थापा जी। तो मैं फिर उसके बाद घर चला आया, तो 2:30-3 बज गए थे रात में। तो घर पे मैं सोया, तो सुबह हमारे घर के आगे डेयरी थी तो वहाँ लोग दूध लेने आते थे। तो हमारे एक बचपन के दोस्त हैं ये मुनव्वर अंजार, ये इंटरनेशनल ताइक्वांडो के रेफरी भी हैं। तो इनका घर का नाम राजू है। तो सुबह सुबह ये दूध लेने आए तो मेरे घर पे आए, मेरी वाइफ से कहने भाई साहब हैं? तो वाइफ ने कहा कि हाँ 3 बजे तो लौटे हैं, अभी सोए हैं, तो कहले जरा जगा दीजिए। तो वाइफ ने फिर आके मुझसे कहा, कहले देखो राजू भैया आए हैं मिलना चाहते हैं। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा हाँ राजू भाई। तो उन्होंने गले से लगाया और बधाई दी, कहले थापा भाई बहुत अच्छी फोटो। मैंने क्या राजू भाई क्या अच्छी, रोज तो यही चल रहा है लाठी चार्ज डंडा आंसू गैस। कहले नहीं नहीं फोटो बहुत अच्छी आपकी। अच्छा उस दिन मैंने अखबार देखा भी नहीं था, हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता था, टैक्सी में ही वही दफ्तर से अखबार उठा लेते थे वही देखते थे। खैर जब मैं तैयार होकर निकला तो घर से जब मैं आया, घर से थोड़ी दूर जब पांदरीबा चौराहे पे आया तो मैंने देखा वहाँ औरतें महिलाएं बच्चे बूढ़े शंख घंटा आरती। आपके लिए? मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए। अच्छा अच्छा वो एकदम देख के भीड़ चिल्लाई करने थापा आ गए। अच्छा उसके बाद औरतें वहाँ पे आरती उतारने लगी, शंख बजने लगे, घंटे घंटे बजने लगे, लोग हार पहनाने लगे, कुछ ने तिलक किया, कुछ ने गुलाल छिड़क दिया मेरे ऊपर। अच्छा मैंने कहा कि भाई राम नाम चल रहा है चारों पूरे प्रदेश में, तो चलो उत्साह है इनके अंदर भी। अच्छा मुझे नहीं मालूम था ये मेरे फोटो का रिएक्शन है। तो मैं वहाँ से जब आगे बढ़ा लाल कुआ आया तो वहाँ भी वही दृश्य। उसके बाद जब मैं बलिंगटन चौराहे पे पहुँचा तो देखा वहाँ और ज़्यादा संख्या में महिलाएं और ये। अच्छा मैं गुलाल और सब मतलब उससे सराबा हुआ। हाँ हाँ। मेरे समझ नहीं आ रहा था। अब वहाँ लोगों ने कह लगे अरे थापा जी आपने इतिहास रच दिया और ये है बहुत बढ़िया फोटो छापी। तो मुझे लगा कि हाँ ये अखबार का कुछ फोटो का
परिणाम है, असर है। लेकिन अभी आपको नहीं पता कि क्या है, हाँ, क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम था। फिर मैं जब वहां से आया हजरगंज चौराहे, तो भाई हजरगंज चौराहे पे तो पब्लिक टूट पड़ी मेरे ऊपर, जबकि कर्फ्यू था पूरे प्रदेश में, फोर्स लगी थी, लेकिन फिर भी इतना हजारों आदमी, औरतें बच्चे सब निकले हुए थे, उन्होंने वहां मुझे कंधे पे उठा लिया, मेरी गाड़ी मोपेट थी किनारे कर दिया और मुझे कंधे पे लेके डांस करने लगे। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, मैंने कहा यार कोई ऐसी फोटो तो नहीं हो गई यार। मैं पहुंचा अपने दफ्तर, तो देखा दफ्तर के बाहर भीड़, तो गार्ड ने बताया कि थापा भैया ये सब आपको देखने आए हैं। मैंने कहा यार अब मैं वाकई मुझ वक्त डर गया था, तो मैं भागता हुआ सीधे संपादक जी के कमरे में गया, तो मैंने हल्के से दरवाजा खोला संपादक जी का, तो राम कृपाल जी बैठे थे, तो उन्होंने देखा, कहने हंसने लगे, कहने आओ थापा आओ। तो उन्होंने मुझे फोटो की बधाई दाई नहीं दी, कुछ नहीं किया, कहने लगे आ गए बेटा, मैंने कहा हाँ, कहने लगे मनोज जी कहाँ है, मैंने कहा मनोज जी अयोध्या में कवरेज कर रहे हैं, कहने लगे अच्छा, कहने लगे बेटा मेरा एक सुझाव है, मैंने कहा बताइए, कहने अब तुम ये है लखनऊ छोड़ के भाग जाओ। अच्छा, मैंने कहा भाग जाओ, मैंने कहा सर कहाँ भाग जाए, कहने कहीं भाग जाओ छुप जाओ। तो मैंने कहा सर टांगा नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही, टेम्पो नहीं चल रहा है, ट्रेन नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, मैं कहाँ भाग जाऊँ। तो संपादक जी बड़ा मतलब उस मने से बोले, कह लगे अबे नेपाल भाग जाओ। तो मैंने कहा नेपाल भाग जाऊँ तो कुछ जरिया तो हो, कोई गाड़ी हो, कोई कार हो। कह लगे यार अब तुमने तो ऐसा कर दिया, मुझको शासन से 2 बार फोन आ चुका है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और उस वक्त सही बताया विनय भाई, मैं वाकई में बहुत डर गया था। अच्छा, अभी आपको नहीं पता कि आपकी फोटो ने क्या कमाल कर रखा। हाँ, तब उन्होंने कहा, तब तक नकवी जी आ गए, नकवी जी कह लगे तुमसे मैंने कहा था ना कि इस फोटो पे नाम दूं कि ना दूं। मैंने कहा वो तो ठीक है वो नाम, कहले मैं इसीलिए पूछ रहा था तुमसे। तब मुझे लगा यार इस फोटो ने तहलका किया है। क्या बात है। तब मैंने कहा कि सर अंदर जा ही तो रहा था नाम, बेकार आपने बाहर मेरा नाम छपवा दिया। कहले इसीलिए मैंने तुमसे 3 बार पूछा था। तो मैंने खैर, तो हमने कहा भाई साहब अब क्या होगा। तो संपादक जी बोले तुम्हें गनर दिला दें। मैंने कहा सर गनर ही मार देगा मुझको, शासन प्रशासन का गनर है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई साहब, वही मार देगा मुझको। तो कहने लगा बताओ फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप बताइए, गार्जियन आप हैं। कहने लगा ऐसा करो तुम घर पर आराम करो, अब अयोध्या ना जाना और थोड़ा संभल के रहना घर पर। 92 6 दिसंबर यही कुछ मौसम रहा होगा, ऐसा ही कुछ मौसम रहा होगा। ऐसा कोई भी छायाकार नहीं था जो मारा नहीं गया था, ऐसा कोई भी छायाकार नहीं था जिसके कैमरे नहीं तोड़े गए थे। सबसे ज्यादा अगर कोई मार खाया था तो कैमरामैन इलेक्ट्रॉनिक के या छायाकार, क्योंकि वो फोटो करने की तैयारी कर रहे थे। क्या था वो माहौल, क्या था वो 6 दिसंबर 1992 का, वो हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप लोग वहां मौके पे थे। अब थापा जी जितना तो बड़े नहीं बोल सकता मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं कि अच्छा बोलूं। 6 दिसंबर को हम लोग सुबह 5 बजे लखनऊ से रवाना हुए। सेम डे जिस दिन घटना है, 6 दिसंबर को सुबह मैं और एक मेरे कलीग थे विनोद त्रिपाठी, हम दोनों, हमारे पास वैन थी, वैन लेके हम यहाँ पर आए। करीब 9:30-10 बजे करीब हम लोग जहाँ पे मेरे ख्याल से आज गेट बन रहा है उससे थोड़ा सा आगे पीछे कहीं हमने गाड़ी खड़ी करी बार रोड पर। ये रोड भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। आज मैं आया हूँ इतने काफ़ी टाइम बाद तो देखा मैंने बहुत बड़ी चौड़ी रोड हो गई है, सब कुछ हो गया, तो समझ में नहीं आता। हम जानना चाहेंगे 92 के अयोध्या कैसा था, मतलब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे 92 के अयोध्या में आज के अयोध्या में बदलाव क्या हुआ। बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, बिल्कुल चेंज लग रही है ये, तो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नया शहर बसा हो। उस समय के हिसाब से देखे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नया शहर बन रहा हो ये पूरा एक। उस समय तो ये मेरे ख्याल से 10 मीटर की या 15 मीटर की सड़क हुआ करती थी, सिंगल रोड। हाँ, सिंगल रोड। और उस साइड हमने गाड़ी पार्क करी थी, गाड़ी पार्क करके हम इधर से एक छोटी सी गली थी उसमें से होके हम यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक घर की छत पर मंच बना रखा था और उसके सामने हजारों की तादाद में, हजारों क्या मैं कहूँगा लाखों की तादाद में लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे।
अच्छा, और ये सारे बड़े नेता जो थे, अडवाणी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, अशोक, ये मंच पे थे, सब लोग मंच पे थे। हाँ। और इनके सबके भाषण चल रहे थे, कलराज मिश्रा, ये सब लोग मंच पे थे और इनके सबके भाषण चल रहे थे। तो हम लोगों ने मंच पे दो चार पांच इनकी सबकी फोटोग्राफ खींची, और फोटोग्राफ खींच के और एक यहाँ पे पास दिया जा रहा था जो भी फोटोग्राफर थे उनका, हमने एक पास लिया। पास लेकर हम उस समय विवादित ढांचा जो था बावरी मस्जिद, उसके बैक साइड के अंदर हम लोग चले गए। वहां पे हम जाके खड़े हुए थे कि थोड़ी देर बाद वहां पे ऊपर हमने देखा कि एक पीएससी का जवान खड़ा हुआ है, एक सेक्शन संघ का आरएसएस का जवान खड़ा हुआ है, पदाधिकारी जो भी कोई था वो दीवार के ऊपर चारों तरफ खड़े हुए थे अपने में। और थोड़ी देर में क्या देखा कि हमने कि नीचे से आदमियों को खींचना शुरू कर दिया, मतलब ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ, ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स के आदमी ने, नहीं फोर्स के आदमी नहीं, नहीं जो कार सेवक कहेंगे उनको, वो लोगों ने नीचे से जो नीचे आदमी थे उनको ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया बाउंड्री पे। और धीरे धीरे वो अंदर कूद के गए और कूद के ऊपर ढांचे पे चढ़ गए। ये सारी चीजें हम खींच रहे थे ऊपर, करीब करीब नहीं तो मैं समझता हूँ 100-150 लोग पहुंच गए थे ऊपर ढांचे के ऊपर। जब तक हमने फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी करी, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि मैंने विनोद से कहा कि यार आप देखो, या तो पुलिस वाले हमारे को मारेंगे या कार सेवक मारेंगे, इसकी फोटोग्राफ तो नहीं खींचने देंगे हमारे को, आगे जितनी खिंच गई है इसको सुरक्षित करो पहले। तो उसने अपना कैमरा बैग में रख लिया क्योंकि वो छोटा कैमरा था उसका, उसने वाइट लेंस लगा रखा था, मैंने टैली लेंस लगा रखा था, तो मेरे को रखने में, और मैंने अपना अपनी क्या करी फिल्म को रिमाइंड करके मैंने जेब में रख लिया सेफ, और उसकी जगह सेफ्टी के लिए। और दूसरी फिल्म, नई फिल्म लगा दी कि जाएगी तो नई वाली फिल्म जाएगी, अपनी खींची हुई फिल्म अपने पास रह जाएगी। जितनी देर में एक कार सेवक का झुंड आया जिसमें 4-5 कार सेवक थे, उनने हमारे को आके कैमरा वगैरह छीनने की कोशिश की। अच्छा, विनोद थोड़ा सा साइड में था, वो क्या चाह रहे थे कि फोटोग्राफ ना खींची है। हाँ, बोले कि फोटोग्राफ मत खींचो, और मेरे से कह रहे थे कि तुम बीबीसी के फोटोग्राफर हो, तुम बीबीसी के फोटोग्राफर, क्योंकि आप चेहरे मोरे से लगते नहीं है भारतीय, तो बीबीसी से थोड़े से नाराज, हमारे दोनों साथी नहीं लगते हैं बीबीसी से थोड़े नाराज भी चल रहे थे वो, कि उन्हें उससे कुछ दिन पहले एक इंडिया की बहुत बदसूरत पिक्चर दिखलाई थी। अच्छा, उस वजह से बीबीसी से नाराज चल रहे थे कार सेवक, मुझे मेरा कैमरा वगैरह छीनने लगे। तो मैंने कहा भैया मैं बीबीसी से नहीं हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैंने जय श्री राम के भी नारे लगाए, सब कुछ करा, लेकिन वो सुनने और मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मतलब आप हिंदी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, कैमरा छीन लिया, पहले कैमरा छीन के ले गए, कैमरा गया, मेरी जेब में फिल्म थी, फिल्म निकाल ली, पर्स था, पर्स वगैरह निकाल लिया, सारे बटन वगैरह, सारे शर्ट फट फूटा गया था। उधर से मैं तब आगे बढ़ा बैग लेके, तो एक पुलिस की जीप खड़ी हुई थी, पुलिस की जीप में जाके मैं पीछे बैठ गया कि यहाँ पर थोड़ा सा कोई मुझे सेफ रहेंगे, नहीं सेफ रहेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने भी मुझे उतार दिया, मतलब पुलिस वालों ने कहा कि हमारी जीप उतरोगे क्या तुम, नीचे उतरो यहाँ से। तो मैं नीचे जैसे ही उतरा और थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरा और कार सेवक आए, उन्हें बैग वगैरह छीन लिया और बैग वगैरह भी खींच के ले गए मेरे से, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और मुझे मारते रहे, कोई कहीं पे मार रहा, कोई कहीं पे मार रहा, कोई घूसा मार रहा, कोई लपड़ मार रहा, कोई इस तरीके से मारते रहे। और फिर मैं भागता गया और मुझे मारते रहे, थोड़ी दूर तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में उनने मुझे छोड़ दिया, मैं पीछे की तरफ जो अभी मैंने बताई थी कि सड़क से मैं भाग कर आया था आपको, तो मैं वहां से भागता हुआ मेन रोड पर आया। विनोद के साथ जो हुआ था, विनोद का कैमरा बच गया था, विनोद के पास फिल्म भी बच गई थी, हम दोनों, वो मेरे को एक तरीके से वॉच करे हुए था अच्छी तरीके से कि वो सेफ है, और वो मेरे साथ ही बाहर आए, हम गाड़ी में आके हम बैठ गए। और तब हमारे को मालूम पड़ा कि सारे मीडिया वालों के साथ ही ऐसा हुआ है, मैं समझ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि सारे मीडिया वालों के साथ ही ऐसा हुआ है। किसी को कहीं पे कैद कर दिया है, किसी को कमरे में बैठा के बंद कर दिया है, किसी का कैमरा तोड़ दिया है, किसी का तो छतों से एक कैमरा फेंक दिया नीचे, किसी का क्या करा, तो सारे ही फोटोग्राफर्स के साथ सब कुछ कुछ ना कुछ हुआ था। केवल वो फोटोग्राफर बचे थे
जो मंच पे थे नेताओं के साथ में। थापा जी आपको कमरे में बंद कर दिया गया था, निकले कैसे? निकले क्या, जैसे ही जब वो गुंबद पे कार सेवक चढ़े हैं, जब भगदड़ मची है, तो हम लोगों को लगा हम कि यार फोटो तो यही है मेन, है ना। अब गुंबद पे लोग चढ़े, दो साल पहले नहीं समझ में आया था, दो साल बाद समझ में आया फोटो ये है। हाँ, पहले नहीं समझ में आया था, फिर लगा कि ये तो, हम लोगों ने कैमरा जैसे रेडी किया तो एकदम आवाज आई, कहने थापा 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 थापा। तो मैंने सोचा कोई साथ का होगा अपना फोटोग्राफर, मैं घूमता जब तक, तब तक किसी ने पीछे से बाल पकड़ा, उठा के हमको वहीं पटक दिया। और पटकने के बाद फिर 5-7-10-8 लोगों ने हम लोग की जम के कम से कम 15-20 मिनट कार सेवा की। अच्छा, थोड़ा सा अलर्ट हम लोग भी थे, तो जाड़े का सीजन था, तो अंदर से स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट, तो हम भी बिल्कुल हाथ पैर लपेट के लड्डू हो जैसे हो गए। खैर वो लोग 15-20 मिनट तक सेवा करते रहे कार सेवा, हमने सर बचा के कान बचा के अपना लेटे रहे। उसके बाद जैसे एकदम अचानक जैसे होता नहीं किसी अंधे से, अंधे ब्लाइंड आदमी से कहते नहीं बाबा इधर से दाहिने से, तो वैसे हमको किसी ने कहा इधर से भाग जाओ, तो मैं सीधे उठा और वही रास्ता पकड़ा। थोड़ा सा 4 कदम चला हूँ तो पायनियर के सीनियर फोटोग्राफर थे अजय सिंह, उनको मैंने देखा कार सेवक ऐसे टांग के ऐसे, और वो बेचारे ऐसे लेटे हुए, और जैसे डेड बॉडी नहीं आते, कार सेवक ऐसे लेके आ रहे। अरे मैंने देखा अजय सिंह जी है, मैं चिल्लाया, मैंने कहा अरे भाई साहब इनको इनको हमने उतार, कहले नहीं फोटो खींचे थे। अरे हमने कहा भाई साहब अब नहीं खींचेंगे, अजय सिंह और हम दोनों को कहा, कहले इधर निकल जाओ सीधे, उधर सीता रसोई थी, कहले वहाँ चले जाइए आप, और बाहर ना दिखाइए दीजिएगा, नहीं तो कार सेवा अभी कम पड़ी है आपको, कायदे से होगी। हम लोग जब अंदर गए तो देखा वहाँ एक से एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक से एक फोटोग्राफर टूटे फूटे सब पड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा, तब तक अंदर से और फोटोग्राफर साथियों ने कहा थप भाई अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अंदर गए तो हम अजय सिंह, एक माया के मनमोहन शर्मा थे, ये सब हम लोग वहीं बैठे थे। तो हमने देखा एक बुजुर्ग थे, वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहने पूजा पाठ कर रहे थे। तो किसी ने मुझसे कहा कि थापा जी ये पूर्व डीजीपी रहे हैं श्री चंद द्विवेदी जी, इनसे बताओ चल के हम लोग। हमने कहा आओ। तो हम लोग जब पहुंचे उनके पास, हमने कहा सर प्रणाम सर, देखिए हम लोग जर्नलिस्ट हैं, कैमरा मैन हैं, हम लोग लखनऊ से आए और हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे कार सेवा की गई है, कार सेवा हुई है, हमला हुआ है। तो वो बड़े मगन होकर चौपाई गा रहे थे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं समझ गया कि इनका कहने का मतलब था कि मेरे इर्द गिर्द ना दिखाई दे, निकल लो यहाँ से। तो हमने कहा हाँ भैया, वो चले वापस, फिर हम लोग कमरे में आ गए। ये घटना हो गई, इसके बाद एक लंबी आप लोगों ने कोर्ट को फेस किया, मुकदमे को फेस किया आप लोगों ने, गवाह के तौर पे आप लोगों को मुझे लगता है कई साल, दसियों साल आप लोग गवाही देते रहे। दरअसल दिल्ली से टीम आती थी सीबीआई की, अच्छा, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था, पहले वो मनोज जी को पकड़ते थे और उसके बाद सबको एक एक पर्चा देते थे कि आपको ये बोलना है। ये बात अलग है कि हम लोग कोर्ट में बोलते थे अपने मन की, लेकिन पहली पेशी हम लोग की जहाँ तक हमें ध्यान है कि हम लोग की इंदिरा नगर में हुई थी, उस वक्त बाल ठाकरे भी आए थे पेशी में, जिंदा थे। उसके बाद फिर हम लोग की कोर्ट चली गई रायबरेली, तो हम अजय सिंह मनोज भैया, तो हम लोग को सबको जाना पड़ता था रायबरेली। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि इंदिरा नगर में जो जज साहब थे उन्होंने सीबीआई से कहा भी कि भाई आप बार बार इन छायाकारों को ले आते हैं पकड़ के, इनका हर्जा होता है, ये ड्यूटी करते हैं, ये सैलरी पे है, इनका नुकसान, इनकी भरपाई कैसे होगी। तो सीबीआई वाले कह ले कि नहीं सर, वो हम लोग की बात हो गई है, वो हम लोग इनकी भरपाई कर देंगे। वो इतने प्रेम से यहाँ से ले जाते थे कोर्ट में जैसे हम लोग उनके दामाद हों, और उसके बाद में ऐसा लखनऊ में ला के फेंकते थे जैसे हम लोग का तलाक लाक हो गया इनकी बिटिया से। तो मतलब पहचानते नहीं थे सीबीआई वाले, सीधे दिल्ली। मनोज जी आपका अनुभव कैसा रहा लौट के आने के बाद? लौट के हम, गाड़ी थी मेरे पास, तो हमने पहले तो विनोद की फिल्म को सेफ रखा एक जगह पर, जिससे और उसके कैमरे में एक नई फिल्म, तो मुझे लगता है रास्ते के अंदर, पूरे रास्ते में जय श्री राम के नारे लग रहे थे,
कहीं पे तोड़फोड़ हो रही थी, कहीं पे आगजनी हो रही थी, कहीं पे क्या हो रहा था, यहाँ से और फैजाबाद तक। तो और फिर उसके बाद हम लखनऊ जो पहुँचे हैं, हम तो मैं समझता हूँ कि 3-3:30 बजे तो मैं वापस लखनऊ पहुँच गया था दिन में। हाँ अच्छा, तो लखनऊ पूरा रास्ता पूरा सन्नाटा, खाली बिल्कुल, कोई सड़क पे नहीं था। ये कितने बजे घटना हुई होगी, ये जो ढांचा गिराने वाला था? 10 बजे के करीब, सुबह 10 बजे के आसपास। हम उधर 1-2 घंटे में सब खत्म हो गया। नहीं, चला तो 4-5 बजे तक चला। नहीं, वैसे तो टोटल 2 दिन चला दूसरे दिन तक। हाँ हाँ, लेकिन मेन ढांचा, मेन गुंबद शाम तक गिरा दिया था। अच्छा, उसके बाद आप लखनऊ पहुंचे? तो मैं लखनऊ पहुंच गया था। जी जी, यहाँ पर हमारा ऑफिस है, वहां से मैंने बात करी टेलीफोन पर, और टेलीफोन पर बात करने तो बोले कि अब तक तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कैमरा नहीं है, तो तुम वापस लखनऊ आ जाओ। मैं वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गया गाड़ी लेके, और लखनऊ पहुंच के जो भी फोटोग्राफ थी वो सारी हमने दी विनोद के पास जो थी। उसके बाद देखा कि वहाँ से गोमती बैराज पर आर्मी आगे खड़ी हो गई थी। आर्मी खड़ी हुई लखनऊ में गोमती बैराज पे। हाँ, जो अयोध्या के लिए रवाना होने वाली थी। अच्छा, लेकिन फिर बाद में किस वजह से रोका गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आर्मी वहां पर एक बार आ गई थी। वहां मतलब अयोध्या में आर्मी भेजने की तैयारी हो गई थी। अच्छा, ये जो तस्वीरें छपी जो मुझे याद आ रही है, तो क्योंकि बाकी फोटोग्राफर्स तो फोटो अपनी भेज ही नहीं पाए थे, तो मुझे लगता है कि यूपी में, खासकर लखनऊ में, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स में सारी तस्वीरें छपी थी सेकंड डे। नहीं, जो लखनऊ के फोटोग्राफर थे सारी जगह पे, तो अमूमन 2-3 दिन फोटोग्राफ तो सबकी बनी गई थी। हाँ हाँ, सबके पास 2-3 दिन 4-4 फोटोग्राफ थी जो खींच चुके थे लोग, वो थी। ज्यादातर के कैमरे में से फोटोग्राफ निकाली नहीं गई थी। अच्छा, सबको हरेसमेंट किया था, मारा जरूर से था। थापा के पास भी फोटोग्राफ थी, अजय सिंह के पास भी फोटोग्राफ थी, औरों के पास भी फोटोग्राफ थी, लेकिन मारा सबको गया। मेरे खास थोड़ा सा ये हुआ कि मुझे बीबीसी का बता के जिस तरीके से मारा पीटा, वो चीज़ अलग हुई और फिल्म भी मेरी चली गई, इसलिए नहीं तो फोटोग्राफ तो मेरे पास भी थी। उसके बाद हुआ कि विनोद ने ये जरूर से देखा कि मेरा कैमरा और वो सारी चीजें हुआ था वहां पर, उसके अंदर उसने फेंकते हुए देखा। अब पानी रहा होगा उसमें? नहीं, वो सूखा था, सूखा कुआं था। और तब हम, हमारे को सीआईडी वाले तब यहाँ पे लेकर आए, पुलिस वाले और सीआईडी वाले वापस, करीब मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन बाद। अच्छा, यहाँ पे घटना होने के बाद, 10-15 दिन बाद सारे फोटोग्राफर्स को लेकर आए वो यहाँ पर, और उनसे पूछे कहाँ का कैसे कैसे हुआ, सारी उन्हें जानकारी ली, कहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था, क्या वो सब कुछ। और उसके बाद तब हमने, विनोद ने बताया कि इनका कैमरा इसके अंदर फेंक दिया था, तो उसके अंदर देखा एक टेम्पू भी पड़ा हुआ था उल्टा अंदर। ओहो, तो फिर क्रेन मंगाई गई, क्रेन से उस टेम्पू को निकाला गया, फिर फायर की गाड़ी को बुलाया गया, आदमी नीचे उतारा गया, उसमें कई कैसेट, कई इलेक्ट्रॉनिक कैमरों के टूटे हुए अस्थि पंजर निकले, मेरा कैमरा निकला टूटा हुआ कैमरा निकला, लेकिन वो जो फिल्म खींची थी मैंने, जो लगाई थी नहीं, वो फिल्म सुरक्षित थी। तो मैंने उस समय सोचा, मैंने अगर मैं फिल्म नहीं निकाली होती तो आज शायद मेरे पास वो सारी फोटोग्राफ्स होती। मनोज जी, अब हम 92 से आगे बढ़ते हैं। जब जब अयोध्या पे कोई फैसला आया या कुछ हुआ तो आप अयोध्या में मौजूद रहे, वो शायद 25 साल पूरे होने पे, या एक जो जजमेंट अभी कुछ सालों पहले आया कि विवाहित ढांचे को आधा आधा दे दिया जाए, या फिर फाइनल जजमेंट आया, क्या क्या बदलाव रहा, क्या कहानियां रही उस बीच, क्या क्या महसूस किया आपने? नहीं, जितना बदलाव तो इस समय जो हुआ है, ये फैसला आने के बाद कि विवादित जमीन जो है वो मंदिर को दे दी जाए, मंदिर के लिए दे दी जाए, तब से जो बदलाव हुआ यहाँ पर, वो बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है। उससे पहले बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। उससे पहले हमने मंदिर को एक पहले टेंट के अंदर देखा था, जो शादी ब्याह में लग जाता है, 4 दीवारें खींची हुई थी और जो शादी ब्याह में टेंट लगता है उस तरीके टेंट लगा हुआ था। फर्स्ट जो देखा था, पहले तो अंदर जाने ही नहीं देते थे, तो मालूम ही नहीं था कि वो कि किस तरीके से क्या है, बाहर से ही दिखता था कि ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी हुई, अंदर जाने नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे बाहर आने के बाद में उस टेंट के अंदर रखा हुआ था वो जरूर से देखा हमने। और मैं
सात तारीख को तो नहीं आया, फिर 8 तारीख को मैं आया था। 6 को घटना हुई मतलब बेड़ा ढाका गिराया गया, 8 को आप वापस आए। मैं 8 को वापस आया, एक दिल्ली से फोटोग्राफर आए थे उनके साथ में आया और उनके कैमरे से मैंने फोटोग्राफ खींची। यहाँ पर उस समय अपने सिक्योरिटी फोर्स जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो पूरा यहाँ पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया था, तो उस समय मैं यहाँ पर आया था, वो चारों तरफ उनका कंट्रोल था और जो भी श्रद्धालु थे वो अपना एक बार दर्शन करके वो कार सेवक अपने दर्शन करके जा रहे थे यहाँ से वापस, उनके लिए बसें वगैरह लगा दी गई थी और वो सब लोग जा रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ की सारी फोटोग्राफ वगैरह खींची, 8 तारीख को खींच के ले जाके फोटोग्राफ वगैरह दी। उस समय मैंने उसको गुलाबी रंग का एक टेंट बना हुआ था, उसके अंदर रामलला को मैंने देखा था, विराजमान देखा था वहां पर। उसके बाद में मैं आया जब बहुत बड़ी घटना हुई थी, आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला कर दिया था, किस्मत से हम भी उस टाइम मीडिया में थे और हम भी तो उस समय आया था, तब देखा कि बहुत बड़ा टेंट बना हुआ था, पूरा कवर था, सारा का कुछ था, टेंट ही लेकिन बहुत बड़े उसमें स्केल में कर दिया गया था उसको, और पूरा कवर था और चारों तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई थी और उस पुलिस फोर्स की वजह से 5-6 आतंकवादी। ये तकरीबन 20 साल के बाद की घटना होगी, आतंकवादी घटना है ना, तब भी कोई बदलाव अयोध्या में कोई बदलाव नहीं था, गलियां वैसे सब वैसे ही, सब कुछ वैसे ही थी, लेकिन बस आने जाने के लिए थोड़ी सी सुविधाजनक हो गई थी। और वो गली जिस गली से मैं भाग के गया था वो आज मैंने देखी, वो तो बहुत खूबसूरत हो गई है, चौड़ी हो गई है, वहाँ पे तो रामलला मंदिर के लिए जाने के लिए वो मेन गेट बना दिया गया है, मेन गेट भी बना दिया गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर, इतने सालों से आता रहा हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम आज काफी सालों बाद आया हूँ मैं समझता हूँ कि जब 25 साल पूरे हुए थे उस दिन मैं यहाँ पर आया था, उसके बाद शायद एक या दो बार बीच में आया हूँ लेकिन बहुत ज्यादा उसको कवर नहीं करा था मैंने उस समय, तो 25 साल तक पूरे थे तब कवर करने आया था। तब में और आज में जो फर्क आया है बिल्कुल डिफरेंट हो गया, आप सोच नहीं सकते कि ये वो अयोध्या है जिसको मैंने आज के 25 साल वो 5 साल पहले देखा था या 2 साल पहले देखा था मैंने, वही अयोध्या है क्या आज? बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पूरा की पूरा नया शहर यहाँ पे डेवलप कर दिया। एक तो रामचंद्र भगवान की मूर्ति की स्थापना हो रही है, मंदिर भी बन रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, इससे हमारे इतना सब कुछ हुआ है तो पर्यटक भी आएंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा। पापा जी आपको बदलाव कैसा लगा? बदलाव तो मेरे भैया हमें देख के अच्छा लग रहा है, और कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हम लोग कवरेज करते थे यहाँ की और जो हालात यहाँ के थे, जो गलियाँ थी और जो सब कुछ, मतलब अब कहना नहीं चाहिए भाई, राम की नगरी है, कहीं कूड़े का अंबार के ढेर और जाम, सड़क जाम, रोड जाम, ये सब तो होता था, तो हम लोगों को ये लगता था बड़ा लेंथी प्रोसेस है और कई सालों में जाके ये कंप्लीट होगा। एक मैं अपने मित्रों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के छायाकारों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें, मार खाए, चोट खाए, लेकिन उन्होंने अपना दर्द किसी को बयां नहीं किया, मतलब ये ईमान के आप चलिए, कोई सुना नहीं या बयां नहीं किया? हाँ नहीं, बयां नहीं किया हम लोगों ने, किसी ने सुना भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं था तो, लेकिन आज ये देख के गर्व होता है हम लोग को। ठीक है, हम महसूस करते हैं कि जिस तरह राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने छोटे छोटे कंकड़ ला के अपना सहयोग दिया था, तो उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के जो छायाकार थे इन्होंने भी गिलहरी की भूमिका निभाई। नहीं दादा जी, आपकी और महोदय की जो फोटोग्राफ्स हैं उन्होंने एकजुट किया, लोगों को पता चला कि अयोध्या में क्या हो रहा है। साहब यहाँ का जो राम जन्मभूमि से मतलब जो छोटे से छोटा मसला भी हो, बड़ा सही मसला, उसमें छायाकारों ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है, तो वही हमारे कहने का मतलब योगी जी से और मोदी जी से कि थोड़ा इनको इग्नोर ना करिए थोड़ा सा। आपके भी जो है जो आपने किया है कैमरे के माध्यम से उसका भी ध्यान रखा जाए। हाँ बस, मतलब हमारे योगदान को भी ना भुलाया जाए भाई, बिल्कुल। लेकिन हमें, हम छायाकारों को किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग अपने परिवार दर्द छलक रहा, निमंत्रण नहीं मिला दर्द छलक रहा। हम इतना सा चाहते हैं कि हमारे को जो सुविधाएं जो है फोटोग्राफी के लिए दी जाए, बाकी किसी चीज के लिए दी जाए नहीं दी जाए, हाँ।
कि हम जिस एंगल से फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं उस एंगल से हमारे को फोटोग्राफ खींच दिया जाए। ये थे हमारे दो वरिष्ठ छायाकार जिन्होंने राम जन्मभूमि 1990 से के आंदोलन से लेकर के और अभी तक एक अपनी भूमिका निभाई कैमरे के साथ। ऐसे कुछ और लोगों से बातचीत करके आपके सामने लेके आते रहेंगे। इजाजत दीजिए।